कोरोना महामारी के कारण मुझे समाज ने ईद की नमाज घर पर ही अदा की। कोरोना मुक्त की मांगी दुआ। जनपद बदायूं के नगर भिसौरी में कोविड 19 जैसी महामारी को देखते हुए मुस्लिम समुदाय ने घर पर ईद की नमाज अदा की। नमाज देशव्यापी लॉकडाउन चल रहा है, इसमें देशव्यापी लॉकडाउन में आज ईद का दिन है। आज ईद के दिन में आज लोग अपनी नमाज ईदगाह में नहीं पढ़ने आए। इस टाइम हम जनपद बदायूं के तहसील भिसौली के नगर भिसौली की ईदगाह में करें। ये आपको नज़ारा दिखा रहे हैं, यहाँ पर देखना जो पिछली बार कितनी चहल पहल थी, आज बिल्कुल भी चहल पहल नहीं है। लोग कितनी बार नमाजी, पिछली बार कितने नमाजी आए थे, इस बार बिल्कुल नमाज नहीं है। हम अपने कैमरा मैन से चाहूँगा कि ये और दिखाइए यहाँ पर नमाज हुआ करती थी। यहाँ पर देखो कोई भी इस वक्त मौजूद हालात में कोई भी नहीं खड़ा हुआ है, नहीं कोई भी चहल पहल, नहीं इमाम है जो यहाँ पर नमाज पढ़ाते हैं, नहीं कोई व्यक्ति दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुल कुछ सुन सा सन्नाटा सा गुजर रहा है। लोगों को इतना कोविड 19 का भय इतना बैठा हुआ है कि लोग बाहर भी नहीं निकल रहे हैं और अपनी ईद भी वो घर पर ही मना रहे हैं। बस एक दूसरे को सोशल मीडिया के माध्यम से मुबारकबाद दे रहे हैं और तरह तरह की आज बहुत अहम पर्व है मुस्लिम समुदाय का, इसके बावजूद भी वो नहीं ये त्यौहार मना पा रहे हैं क्योंकि उन्हें भी कोविड 19 का भय बैठा हुआ है। और ये बैठना क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि हर समुदाय के लोग इससे भयभीत हैं, क्योंकि ये जो बीमारी है पूरे वर्ल्ड बीमारी है, महामारी है। इसलिए ये अब हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जनपद बदायूं की तहसील भिसौली की ईदगाह है। यहाँ पर हर वर्ष यहाँ पर नमाज पढ़ा करती थी, इमाम भी यहाँ पर मौजूद हालत में बैठा करते थे। यहाँ पर ये आपको जो नज़ारा दिख रहा है, ये यहाँ पर यहाँ शहर काजी बैठा करते थे। यहाँ से यहाँ पर जो यहाँ पर नमाजियों का तना बड़ा रहता था, वहाँ पर लोग नमाज पढ़ा करते थे। यहाँ पर स्टैंप पुलिस भी मौजूद है, पुलिस तैनात कर दी गई है। कोई भी व्यक्ति यहाँ वो नमाज पढ़ने के लिए नहीं आए। ये देखिए आप, ये वो ईदगाह है, इतनी बड़ी ईदगाह है मगर कोई भी इस बार नहीं है, क्योंकि इतनी भीड़ रहती थी इस ईदगाह के अंदर नमाजियों की कि भारत तक को लोगों को जमात लगानी पड़ती थी, पढ़ना पड़ती थी। मैं इस बात को इतना है क्योंकि बार बार धर्म गुरु भी, मुस्लिम धर्म गुरु भी अपील कर रहे हैं कि लोग घर में ही नमाज पढ़ें, बाहर नहीं निकलें, केवल इसीलिए कि यहाँ पर इस तरह की, क्योंकि भय लोगों के मन में है, बैठा हुआ है। बार बार सरकार भी, नरेंद्र मोदी जी भी बार बार लोगों से अपील कर रहे हैं कि चाहे वो किसी समुदाय का हो, वो घर में ही अपने त्यौहार मनाएं, बाहर भीतर नहीं निकले, नहीं मंदिर जाए, नहीं मस्जिद जाए। ऐसी मस्जिदों का हाल भी है इस तरह का। कैमरामैन रेहान के साथ इसाइत अली, सी न्यूज़ बदायूं।